मास्क भूल गया यार, सब चीज ले आया, याद भी था मास्क लाना है, फिर भूल गया। हेलो जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे घर में भी सब लोग ठीक हैं, सेफ है, मतलब अभी सब आप लोग भी सेफ रहिए। और कभी कभी सही में ये मास्क ना बहुत बहुत दिक्कत करता है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी हाँ, वैसे तो ठीक है सेफ्टी के लिए, लेकिन कभी कभी बहुत दिक्कत करता है। थोड़ा फ़ैन कम करता हूँ, उसकी आवाज़ आएगी। हाँ, तो ये मैं हेलो जी बहुत मिस कर रहा था, बहुत टाइम से, मतलब बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है। और ये एक अपडेट ब्लॉग है जो मुझे बनाना था बहुत टाइम से, लेकिन आज मैंने इसलिए बनाया क्योंकि एक और चीज़ थी जो ऐड ऑन हो जाएगी, थोड़ा व्लॉग थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज बना लेता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। वो चीज़ से मेरा मतलब ये है कि फाइनली, मतलब आई थिंक 4 हफ्ते मेहनत करने के बाद, 3 या 4 हफ्ते मेहनत करने के बाद मेरा स्लॉट बुक हो गया है और मैं अभी वैक्सीन लगाने जा रहा हूँ। अभी आगे चलते चलते हम बात करते हैं सब चीज़ों के बारे में कि क्या मुझे बात करनी है ना। अभी मैं नब्बू के घर जा रहा हूँ, अपने फ्रेंड के घर, उसको पिक करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कि क्या सारी बातें हैं। अब प्रदर्शन हो जाएगा इसलिए बंद कर देगा। भैया पहुंच चुके और यहाँ पे रुकने का तो है नहीं, पीछे को अंकल लोग बता रहे हैं कि सीधा डायरेक्ट अंदर चले जाओ। अब अंदर जाके एक बार चेक करते हैं, उनको स्लॉट नंबर वगैरह दिखाएंगे। इस तरीके से दिस इज हाउ इट वर्क्स, कि पहले यहाँ से लोग जा रहे हैं और फिर सीक्वेंस से बन रहा है, फिर हम लोग इधर से जाते जा रहे हैं। हाँ जी भैया, तो ये एक नया दिन है और अगर आप लोग मुझसे पूछें कि आफ्टर वैक्सीन वाला क्या असर था, तो वो कुछ ऐसा था कि रात को थोड़ी मेरी बॉडी हीट होने शुरू हो गई थी और फिर सुबह अभी कम से कम 10:30-11 बजे तक मुझे फीवर था, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बट फिर उसके बाद मैंने पैरासीटामोल ले ली थी, वो भी आधी, और फिर उसके बाद अभी सब ठीक है। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आप लोग वैक्सीन लगाते हैं तो रात को ही दवाई ले लेना, सुबह फीवर आएगा ही नहीं, क्योंकि मेरे अभी तक जितने भी नॉलेज में जितने लोगों ने भी वैक्सीन लगाई है उन्होंने यही किया था, मैंने नहीं किया, मुझे लगा शायद मुझे फीवर नहीं आया। सरप्राइज मदरफकर। तो अभी बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिस बारे में मुझे बात करनी थी, तो वो दो बातें हैं। पहली बात ये कि मैं कोर्स बनाने की सोच रहा हूँ और दूसरी कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था, इसीलिए कोई व्लॉग नहीं आ पाया अभी तक। लेकिन दूसरी बात आप भूल जाइए, क्योंकि वो चीज़ अभी थोड़ी उलझी हुई है, कभी और बात करेंगे इस बारे में, और वो चीज़ अभी डिले है बहुत टाइम के लिए। तो पहली बात कि मैं एक कोर्स बनाने की सोच रहा हूँ, क्या कोर्स है, कैसा कोर्स है, तो बात कुछ ऐसी है कि पिछले 6-7 सालों से मैं एडोबी यूज़ कर रहा हूँ, उसके सॉफ्टवेयर,
प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, फोटोशॉप, थोड़ा बहुत इलस्ट्रेटर। तो मैं प्रीमियर प्रो का कोर्स बनाने की सोच रहा हूँ वीडियो एडिटिंग के ऊपर, और ये जितना भी मुझे कुछ आता है सब कुछ मैं ए टू जेड सब कुछ बताऊँगा, जो सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती हैं मैं कोशिश करूँगा कि उससे ज़्यादा ही सिखाऊँ। और अभी तो मेरा कुछ ऐसा प्लान है कि मैं हफ्ते में 2 वीडियोस ड्रॉप करूं, अगर अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं 3 भी करूंगा, लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि मुझे कंटिन्यू पोस्ट करते जाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, नॉर्मल सी चीज़ है कि मैं ये कोर्स सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मेरे को एक ऐसा कंटेंट मिलेगा जो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे मेरे को कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से मिल जाएगी। और सेकेंडरी ये भी हो जाएगा कि आप लोगों की भी हेल्प हो रही है, अगर मैं ये कोर्स बना रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे मतलब कुछ आता है तो वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। तो बस यही बात थी, अब मिलेंगे अब डायरेक्ट कोर्स में। थैंक यू आज का ब्लॉग देखने के लिए। और हाँ, ऐसा नहीं है कि व्लॉग नहीं आएंगे, व्लॉग भी आएंगे, सारी ट्रैवल मस्ती वगैरह सब कुछ होगा, लेकिन कोर्स एपिसोड्स आएंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब व्लॉग आएंगे, व्लॉग आएंगे।